लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई तरह के हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। वहीं सितारगंज निवासियों ने लगातार बारिश से हो रही परेशानियों के चलते धरना प्रदर्शन कर अपनी परेशानियां जाहिर की हैं। मामला उत्तराखंड के सितारगंज का है, जहां मीना बाजार के व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से सिफारिश की है कि जितने भी नाले और गड्ढे हैं उनको जल्द से जल्द सही करवाया जाए। व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि लोगों को वहां से आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कई लोग बाइक से गिर जाते हैं, कई लोगों को चोटें भी लग चुकी हैं। बारिश का पानी भरने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसके कारण बच्चे भी गड्ढों में गिर कर जख्मी हो जाते हैं। धरना प्रदर्शन में व्यापारियों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग मामले का संज्ञान लेते हुए लोगों को राहत दे, और लगातार अगर राहत नहीं मिलती है तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सभी ने मीना बाजार के व्यापारियों के साथ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग को चेताने का प्रयास किया है। बहुत सालों से हम देख रहे हैं इस रोड का हाल कभी भी नहीं सुधर पाया। पिछले साल भी जब बारिश आई थी तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस प्रकार से काम किया था, उसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता नहीं थी कार्य में उनके, तो ये रोड पिछले साल ही खराब हो गई थी और अभी भी लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और इस रोड की कोई भी सुध लेने के लिए नहीं आया है। किसी भी प्रतिनिधि ने इसकी सुध नहीं ली है और पीडब्ल्यूडी विभाग से हमारी ये मांग है कि इस रोड को दुरुस्त करे। यहाँ पे रोडवेज की बसें आती हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, राहगीर आ रहे हैं जा रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं जा रहे हैं, दुकानदारों को परेशानी हो रही है, बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से गिर जा रहे हैं, साइकिल से गिर के चोटिल हो जा रहे हैं। किसी को किसी की जान की परवाह नहीं है, किसी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा निवेदन है पीडब्ल्यूडी विभाग से कि इस रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, मजबूत किया जाए। उस किसी भी प्रकार की लापरवाही व्यापारीगण बर्दाश्त नहीं करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।